ये लो। अरे रख लो ये पैसे, तुम्हारे काम आएंगे। तुम एमबीए का कोर्स जो करने जा रहे हो, मैं तुम्हारी ताई हूँ तो मेरा इतना हक तो बनता ही है। अब मुझसे पैसे लेने में कैसी झिझक, बल्कि और अगर चाहिए हो तो और पैसे भी मांग लेना, शर्माना। ओके थैंक यू, पर इसकी जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूँ। अरे कुंज रख लो। अब देखो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि पैसों की टेंशन की वजह से तुम अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान ना दो और फेल हो जाओ। अब वैसे भी इस उम्र में पढ़ाई दोबारा से शुरू करना इतना डिफिकल्ट होता है, उसके ऊपर से अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारी जगह साई तो होगी होगी, लेकिन साथ ही साथ हमारी फैमिली सोचो कितना बदनाम हो जाएगी। एक मिनट अनीता आंटी, सपने अपने साथ कोई एक्सपायरी डेट लेके नहीं आते और अपने ख्वाब पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। कुंज बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार है। आपको कुंज को उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कुंज एक बहुत ही अच्छा बेटा और पति है और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी एमबीए सिर्फ पास ही नहीं करेगा बल्कि उसमें टॉप भी करेगा। कुंज हमेशा अपने से पहले दूसरों की सोचता है, इसीलिए उसने एमबीए करने का डिसाइड किया ताकि परिवार का बेटरमेंट हो सके। अगर कुंज पढ़ना चाहता है अपने खुद के पैसों से तो वो कुंज का पर्सनल मैटर। आप कौन होती हैं बीच में बोलने वाली? और रही बात आपके पैसों की, थैंक यू वेरी मच अनीता आंटी, लेकिन हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं। आपको ये सब जरा अजीब नहीं लगता? मेरा मतलब इस उम्र में कॉलेज। उषा इसमें अजीब क्या है, और पढ़ाई का उम्र से क्या लेने देने? देखो तुम इस मामले में बिल्कुल नहीं पढ़ोगी। ओके ऐसे भी सुरजीत भाई साहब और चेरी ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है। सुरजीत भाई साहब तुम्हें नौकर की तरह ट्रीट करते हैं और चेरी थोड़े थोड़े अमाउंट के लिए हमें बेइज्जत करता रहता है। एक बार कुंज का एमबीए हो जाए ना, फिर हम इस फाइनेंशियल मेस से बाहर निकल पाएंगे और फिर मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस मिलेगी। तेरा भाई स्कूल में एडमिशन ले रहा है क्या? यार इस उम्र में पढ़ाई चढ़ाई करने का शौक चढ़ा है, कुछ एमबीए शेमबीए कर रहा है? सुन तो सही होए। देख अब तू कॉलेज जा रहा है तो रैगिंग तो होगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि तेरी प्रैक्टिस यहीं करवा दूँ। क्यों भाई, प्रैक्टिस तो बनती है ना? चेरी भैया मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे जाना है। ओ इतनी भी जल्दी क्या है? तो एक काम कर, तू मुर्गा बन के दिखा, हैं? चल दिखा, दिखा मुर्गा बन के, हैं? देखिए मुझे देर हो रही, प्लीज हट जाइए। मैंने कहा ना मुर्गा बन के दिखा। एक बात समझ लो, बड़े भाई हो, बड़े भाई की तरह रहो, फजूल में उलझने की जरूरत नहीं। हाय हाय, पंजाब का इतना बड़ा लंबा चौड़ा गबरू जवान, बजरंग बली का इतना बड़ा भगत, सिर्फ एक मुक्का खा के ऐसे लोटपोट जमीन पे। तेरी सरना को कोई धराशायी नहीं कर सकता है। अरे कुंज, समझता क्या अपने आप को? आज जिसने मुझ पर हाथ उठाया है ना, उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर कुंज से बदला लेना है ना तुमको, तो अपने इस दिमाग को बहुत सोच समझ के खर्च करना हो, और वो कब कैसे कहां करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगी। इसके बदले में तुम्हें सिर्फ मेरा साथ देना होगा ट्विंकल की जिंदगी बर्बाद करने। क्या बात है भाई, घर के सारे लोग यहाँ पे जमा होके क्यों खड़े? ओह माय गॉड, ओह हाँ हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, घर का शादीशुदा बेटा एंड सो कॉल्ड कमाऊ पुत अब खुद कॉलेज जा रहा है, वो भी पढ़ाई करने। हाउ कूल। उषा तू तो आज खुशी के मारे पागल हो रही होगी ना। अनीता आंटी आप जो भी कहें, मैं जानता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। All the best, Kunj. मेरा बड़ा दिल है कि इस कार में कल शिव पूजा हो। मेरे कुंज और ट्विंकल की जोड़ी पार्वती और भोलेनाथ जैसी हमेशा मजबूत बनी रहे।
कल की ये पूजा कुंज और ट्विंकल के लिए यादगार रहनी चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि खुद कुंज और ट्विंकल ही एक याद बन के रह जाए। क्या मतलब है मम्मी जी? मतलब ये कि तुम बस वैसा वैसा करते जाओ जैसा जैसा मैं तुम्हें करने को कहती। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहो। देखो तुमने बोला था मैं ले आया, लेकिन तुम्हें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ओए वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले चेक तो कर लूं। भाई ये कोई मजाक नहीं है, बहुत खतरनाक है। ओए मैनू सिखाने की जरूरत नहीं है, पता है मैनू। भाई देख ले, जान भी जा सकती है, इसीलिए तो मंगवाया है। क्या बात कर रहा है? और की चल निकल अब यहाँ से। चल भाई। बेबी ये चूड़ियां ले लो। हाय पुत्र ये बड़ी अच्छी लगेगी तुझ पर। बेबी चेरी भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हाँ ये चेरी है, ये इत्थे की कर रहे हैं? चेरी ओए चेरी इत्या। ओए तेरी ये पेपे और भाभी जी यहाँ क्या कर रही हैं? कहीं इन्होंने कुछ सुन तो नहीं लिया? बजरंगबली बचा लो मैनू।